हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो? फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। और मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। मैं दिखाने वाला हूँ इसमें 14 इंची की दीवार किस तरीके से और कैसे लगानी चाहिए। तो पहले आपको उस आप देख रहे थे उसमें तराई ढंग से होनी चाहिए ईंट की, क्योंकि जब भी आपका मसाला जो लगाते हो उसमें पैसा खर्च करते हो, तो जो भी आपका काम करेगा जो ईंट तरह होंगी उसमें चिनाई में लगाने के लिए पहले तरह करनी चाहिए तराई वगैरह। तो आप ये देख रहे हैं 14 इंच की दीवार है जी, आपको इंची टाइप से आप दिखा रहे हैं। तो इसमें जो 14 इंची की दीवार जो चिनते हैं, तो दोनों तरफ से फिनिशिंग कैसे आती है और कैसे आनी चाहिए। तो इसमें 14 इंच की जो दीवार होती है दोनों तरफ से सुंदर माना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं इसका जो जॉन्ट है, जो जॉन्ट इसमें जो आया है, तो इस 20 सेंटर से इसमें जैसे आप कभी देख रहा होगा जो हर रद्दे में जॉन्ट करना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं इसमें जो ऊपर वाली जॉइंट लग रही है और नीचे वाला जॉन्ट है 20 सेंटर से है, बिल्कुल इस तरीके का आना चाहिए। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं ये है 14 इंच की दीवार का टॉप दिखा दे रहा है। तो 14 इंच की दीवार टॉप में इस तरीके से आपको चुनाई करनी है और दोनों तरफ से सूंद बांधा जाता है। इसमें आप देख रहे थे उधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड से सूंद बंधा हुआ है और लवा भी दोनों साइड से डलेगा इसमें। क्यों? लवा का ही एक्टिवेट काम होता है। क्यों? लवा आप सही तरीके से डालोगे तो दीवार आपकी बिल्कुल डिगडवाएगी नहीं बिल्कुल, और ना टेढ़ी मेढ़ी होगी और एकदम सीधी जाएगी। तो आपका लवा का जो काम होता है मेन होता है, तो लवा आप देख रहे हैं आप किस तरीके से आपको डालना है। तो लवा ढंग से जैसे आपने शुरू में जो रद्दा चालू करते हैं नीचे टॉप से, तो उसी ईंट पे एक्यूरेट कर लें, उसमें निशान लगा लें, तो उसी रद्दे पे लवा डालें लास्ट पे से। जैसे आप रद्दा शुरू करें इधर देख रहे हैं जिस शुरू हुआ शुरू का जो शुरू चिनाई करते हैं उस वही रद्दा है शुरू का, तो इसी ईंट पे आप लवा डालें शुरू तो एंड तक का। जैसे आप दीवार कितनी फुट ले जा रहे हैं, 10 फुट, 5 फुट, 8 फुट, तो उसी पे आप ऊपर से नीचे तक लवा लास्ट तक लास्ट वाली ईंट भी डालें। एक ईंट रखें आप एक्यूरेट, अगर हर ईंट करेंगे तो उस पर तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 14 इंची दीवार इसमें कॉलम भी है, तो इसमें बेहतरीन इसमें मौजूद है ये सबसे ज़्यादा। तो मैंने एक लवा का मेन होता है और एक होती है डो लेवल। तो आप ये देख रहे हैं लेवल है, तो इससे उधर वाली जो दीवार हमारी ऊंची है और ये नीची है, तो उससे हम मिला रहे हैं कि इतने में किसमें कितना अंतर चला है। तो लेवल करना भी ज़रूरी है। अगर तुम्हारी टॉप पे अगर दीवार पहुँचने वाली है, अगर पहली उसको करीब 1 फुट नीचे लेवल करनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर उसमें 14 इंची के में खंजरा वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें खंजरा जो बढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत क्या है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है उसके लिए, अद्दा वगैरह चाहिए ज़्यादा। तो आप पहले ही शुरू से लेवल करके उसकी बार बार चलें, क्योंकि आगे के लिए दिक्कत नहीं आए। तो लेवल और लवा का काम मेन होता है। जब आप दीवार मकान बना रहे हैं, दीवार बिल्डिंग कोई भी चीज बना रहे हैं, तो लवा और लेवल का काम मेन होता है। तो आप देख रहे हैं, देखो कितना फास्ट है उसमें टीप जॉन्ट, इसकी जॉन्टिंग भरी जा रही है। तो इसी तरीके से आप काम कराएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, लाइक कराने नहीं भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।